नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक एनपी सिंह आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं बीएड द्वितीय वर्ष का प्रकरण अमेरिका की क्रांति के परिणाम को लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगले वीडियो में अमेरिका की क्रांति के कारण पढ़े थे और इसमें अमेरिका की क्रांति के परिणाम पढ़ेंगे, उसके एक एक बिंदु के ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अपना जो पाठ चल रहा है आधुनिक विश्व के इतिहास में पेपर टू अमेरिका की क्रांति के परिणाम, इसमें परिणाम में क्या परिणाम निकला, एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना, अमेरिका में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना, इंग्लैंड के साम्राज्यवाद पर आघात, जॉर्ज तृतीय के स्वाभिमान को ठेस पहुंची, इंग्लैंड के सरकारी नीति में परिवर्तन, अमेरिका की औद्योगिक व आर्थिक उन्नति हुई, अमेरिका क्रांति के बाद में अमेरिका समाज का प्रभावित होना, क्रांति के बाद में अमेरिका का जो समाज है वो भी प्रभावित हुआ, इंग्लैंड का अन्य उपनिवेशों के प्रति सतर्क होना, कि जिस प्रकार आज इंग्लैंड वाले समझने लगे अमेरिका से हमें हाथ धोना पड़ा है, कहीं ऐसा न हो जाए कि एक दिन हमें ऑस्ट्रेलिया और भारत वालों से भी हाथ धोना पड़े, इसके लिए वो पूरी तरह से सतर्क हो गए। उन्होंने उनके प्रति प्रशासनिक सुधार और उदारवादी की नीति को भी अपनाया। एक एक बिंदु पर आप विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक बिंदु क्या है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए पंख उनके पर बोलते हैं, अरे खामोश तो अक्सर वे रहते हैं जिनके बचपन में हुनर बोलते हैं, अरे खामोश तो अक्सर वे रहते हैं जिनके बचपन में हुनर बोलते हैं। चलो, एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना, पहले हम पूर्व की ओर जाए, अमेरिका की जो क्रांति है वो 1776 ईस्वी में हुई थी। क्रांति की हुई के इंग्लैंड का शासन अमेरिका में था। अब इंग्लैंड का उपनिवेश देश कौन सा था, अमेरिका, इंग्लैंड का ही कानून चलता था, इंग्लैंड की ही सरकार बनती थी, इंग्लैंड का जो शासक है जैसा कानून बनाता था वो जनता को मानना पड़ता था, जैसा कर व टैक्स लगाता था जनता को मानना पड़ता था, उनके राजा जो धर्म अपनाते थे वो सारे जनता को मानने पड़ते, चाहे वो जनता के हित में हो या अहित में हो आपको मानना ही पड़ेगा। इसके कारण एक दिन जनता को लगा नहीं, हम के गुलाम नहीं है, तो उन्होंने उसका विद्रोह कर दिया। तो ये समय था 1776 ईस्वी का जो समय था। अमेरिका की खोज का प्रश्न कई बार आता रहता है, देखो 1792 में कोलंबस नामक एक नाविक ने अमेरिका की खोज की थी। चलो अपन अपने टॉपिक और बिंदु के ऊपर आते हैं। चलो, एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई, राष्ट्र तो था ही अमेरिका, एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना। पहले क्या होता था कि वो इंग्लैंड का गुलाम था, उपनिवेश देश था। देखो मैंने कई बार बता दिया उपनिवेश का मतलब क्या होता है, एक शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र का अपने से निर्बल राष्ट्र पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन के रूप में उस पर अपना अधिपत्य स्थापित करना, अपना शासन करना, ये उपनिवेश कहलाता है। चलो स्वतंत्र, पहले वो गुलाम था अमेरिका, जैसे ही क्रांति हुई तो इंग्लैंड वालों ने उसको स्वतंत्र कर दिया, क्या आप स्वतंत्र हो, एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई और इंग्लैंड वालों ने अमेरिका को पूरी तरह से क्या कर दिया, एक स्वतंत्र कर दिया। और स्वतंत्र होने के बाद में अमेरिका में एक संविधान बना, और अमेरिका का जो संविधान था वो कैसा संविधान था, लिखित संविधान बना, कैसा बना, लिखित संविधान बना। अमेरिका स्वतंत्र होने के बाद में कैसा संविधान बना, लिखित संविधान बना। लिखित संविधान बना अमेरिका के अंदर, और लिखित संविधान बनने के बाद में उसमें कई संसद या विधानसभा बनी, और विधानसभा के जितने भी सदस्य को निर्वाचित किए जाते थे और उनके जो प्रतिनिधि थे वो जनता के द्वारा सुने जाते थे, और यही जनता अपने ये जो प्रतिनिधि ही कानून बनाते थे जो सभी जनता को मानना पड़ता था। एक बार ये इंग्लैंड
के संगुल से ही अमेरिका पूरी तरह से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, गुलामी की जो जंजीरों से पूरी तरह से क्या हो गया, ये मुक्त हो गया था अपना अमेरिका देश इंग्लैंड से। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई। जैसे ही अमेरिका इंग्लैंड से स्वतंत्र हो गया तो अन्य यूरोपीय राष्ट्र ने भी कहा कि हम जितना इंग्लैंड को स्वतंत्र मानते हैं, यानी इंग्लैंड को इतना मजबूत मान रहे हैं, इतना नहीं है, ये दुर्बल देश है, तो अन्य राष्ट्रों ने भी स्वतंत्रता के लिए कई टक्कर ली इंग्लैंड के साथ में। अगले बिंदु की बात करें, अमेरिका में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना। अगले बिंदु है अमेरिका में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना। पहले क्रांति से पूर्व की अगर हम बात करें तो क्रांति से पूर्व जैसे इंग्लैंड वालों का शासन था तो जो राजा का जो धर्म था वो सभी जनता को मानना पड़ता था, उनके रीति रिवाज पूजा पद्धति आदि को अपनाना पड़ता था। अगर कोई जनता उसके विरुद्ध में जाती थी तो ये लोग शासक वगैरह लोग थे उसको कड़ी से कड़ी सजा देते थे। लेकिन क्रांति के बाद में अमेरिका को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। राज्य कैसा, अमेरिका को क्रांति के बाद में राज्य को धर्म निरपेक्ष, कौन सा, धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया कि राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग रखा गया कि जो व्यक्ति चाहे कोई भी धर्म अपना सकता है और धर्म के अनुसार कोई भी पूजा पद्धति आदि को अपना सकता है, धर्म के बारे में उसे पूरी तरह से छूट है, किसी के ये प्रतिबंध में नहीं है और राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग रखा गया। और विश्व का अमेरिका एक पहला देश था, अमेरिका एक पहला प्रजातांत्रिक देश था जिसने धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया था। अमेरिका ही प्रजातंत्र, प्रजा यानी प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं, इब्राहिम लिंकन उसको कहते हैं। चलो अपन बात कर रहे हैं तीसरे बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक बिंदु अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ये बहुत अपने मायने रखता है कि कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आया, अगले पेपर में ये प्रश्न आया था। चलो इंग्लैंड के साम्राज्यवाद पर गहरा आघात, कैसे इंग्लैंड के साम्राज्यवाद को गहरा आघात पहुंचा। देखो पहले अमेरिका किसका गुलाम था, इंग्लैंड का। जैसे ही क्रांति हुई तो अमेरिका स्वतंत्र हो गया, जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र हो गया उसने इंग्लैंड की कोई भी बात मानने से मना कर दिया, उनके साथ व्यापार करना भी बंद कर दिया, जिसके कारण इंग्लैंड की जनता है, इंग्लैंड के व्यापारी हैं, वो अमेरिका को छोड़कर अपने देश इंग्लैंड चले गए। उनको सरकार के प्रति नाराज हो गई ये व्यापारी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पैसे लगाए थे, उद्योग धंधे कारखाने लगाए थे और दूसरे देशों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा कि हम जितना इंग्लैंड को इतना शक्तिशाली समझते हैं वो शक्तिशाली नहीं है। दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों ने भी इंग्लैंड की संगुल से मुक्त होने के लिए उसे कड़ा संघर्ष और कड़ी टक्कर ली। चलो साम्राज्यवाद को गहरा आघात पहुंचा इंग्लैंड को। ये देखो पहले सभी इंग्लैंड से डरते थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो दूसरे देशों ने भी इंग्लैंड को निर्बल और कमजोर राष्ट्र साबित कर दिया और ये भी अपनी कड़ी और संघर्ष में जुट गए। देखो भारत ने भी अंग्रेजों से कड़ा लहा लिया और स्वतंत्र हो गया था। चलो अपन बात कर रहे हैं जाट तत्व के स्वाभिमान को ठेस। ये जाट तत्व है, इंग्लैंड का शासक था, अमेरिका में उनका शासन था, तो जाट तत्व है ये अभिमान शासक था, उसको अपने ऊपर अहंकार घमंड था, वो अपने ही तरीके से कानून बनाता था, दूसरे पदाधिकारी अधिकारियों की अवहेलना करता था, जनता के हित में कानून नहीं बनाता था। जब उसको धन वसूल करना होता था या अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए इंग्लैंड में धन की जरूरत होती तो जनता पर मनमानी तरीके से कर और टैक्स लगाता था। एक दिन अमेरिका की संसद और जनता ने एक याचना पत्र भी जाटतत्वीय को कहा कि आप मनमाना कानून पारित न करें,
न तो मनमाना कानून पारित करेगा मनमाने तरीके से कर वसूल करे जिससे हमारी आर्थिक स्थिति दिनों दिन गरीब होती नजर आ रही है, हमारे बाल बच्चे हमें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, तो आप मनमाने इतना। लेकिन ये तो अभिमानी और अहंकारी शासक का इसने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एक दिन किसी जाट तबके का जो शासन है वो पतन की गर्त के अंतर्गत चला जाता है। तो अपने इसके अहंकार को अगर त्याग देता समय रहते हुए तो उसका कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन अभिमान में इतना व्यस्त था कि उसको पता ही नहीं चला और एक दिन ये उसका साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इंग्लैंड की सरकारी नीति में परिवर्तन, जैसे ही अमेरिका इंग्लैंड से मुक्त हो गया तो इंग्लैंड ने औपनिवेशिक राज्य अमेरिका की नीति में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या कर दिया? कानूनों में परिवर्तन कर दिया, कुछ कर थे वो समाप्त कर दिए, कर हैं वो कुछ कम कर दिए थे। दूसरा परिवर्तन देखो, इसमें परिवर्तन क्या कर दिया था? देखो भाई, इंग्लैंड की सरकारी नीति में तो कानूनों पर अत्याचार बंद कर दिया, अत्याचार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? ये परिवर्तन कर दिया, करों को कम कर दिया था, कम कर दिया करों को, क्या कर दिया था उसने? अत्याचार पर प्रतिबंध लगा दिया, करों को कम कर दिया। इंग्लैंड की सरकारी नीति में क्या परिवर्तन कर दिया है? और कानून जनता के हित में लगाने लगा। जो पहले उसकी नीति थी वाणिज्यवाद, कैसी नीति थी? वाणिज्यवाद, और वाणिज्यवाद को उसने हमेशा के लिए त्याग दिया और नीति अपनाता है प्रशासनिक सुधार की। कौन सी? प्रशासनिक सुधार की नीति अपनाई उन्होंने, जनता के प्रति उदारवादी नीति अपनाई। कौन सी नीति? उदारवादी नीति, जिसके कारण उसने परिवर्तन कर दिया कि उसको पता है कि आज अगर हमें अमेरिका से हाथ धोना पड़ता है, कल ऐसा नहीं हो कि अन्य देश भी हमारे प्रति क्रांति करे और अपन इससे भी हाथ धोना पड़े। चलो, अत्याचार पर प्रतिबंध लगा दिया, करों को कम कर दिया, वाणिज्यवाद को त्याग दिया और प्रशासनिक सुधार और उदार की नीति उसने अपनाई। चलो हम आगे बात करते हैं अमेरिका की औद्योगिक व आर्थिक नीति। रूबरू कराएंगे आपको कि अमेरिका की क्रांति में क्या क्या है। चलो, अमेरिका में ले जा रहे हैं क्रांति होने के बाद में आपको सभी विद्यार्थियों को अमेरिका की औद्योगिक व आर्थिक उन्नति कैसे हुई। जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र है, किसी के गुलाम की जंजीरों में नहीं गिरा है। जैसे ही स्वतंत्र होते ही खुद का उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए। किसने उद्योग धंधे लगाए? उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ में धंधा नहीं करेंगे, उद्योग धंधे लगा दिए, बड़े बड़े कारखाने लगा दिए, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना कर दी, स्वतंत्र होने का अपना खुद का कारखाना बना दिया। वस्त्र उद्योग में अमेरिका सबसे सर्वश्रेष्ठ बन गया, वस्त्र उद्योग अमेरिका में सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्योग था। वस्त्र उद्योग अमेरिका का सबसे बेस्ट उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग। उन्होंने उद्योग धंधे लगाए, कारखाने लगाए, वस्त्र उद्योग लगाए। उन्होंने इंग्लैंड वालों से कहा कि अब व्यापार के मामले में हम स्वतंत्र हैं, हम चाहे तो आपके साथ में व्यापार करेंगे, हम न चाहे तो नहीं करेंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा निर्यात बहुत कम किया और आयात, निर्यात को ज्यादा से ज्यादा किया और आयात बहुत कम कर दिया। पर एक दिन ऐसा समय आया कि आज अमेरिका इतना शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ देश बन गया, इसलिए आज वो अमेरिका दूसरे देशों को भड़काने का काम कर रहा है। अगर यूक्रेन को अमेरिका देश नहीं भड़काता तो आज तीसरा विश्व युद्ध के दौर से हमें नहीं गुजरना पड़ता। ये देखो, अमेरिका ने हमेशा इसी तरह से काम किया है। चलो, हम बात कर रहे हैं अलग अलग बिंदु के ऊपर बात कर रहे हैं, अपन को तो ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से इसको लिखना है, लिखने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। चलो, उद्योग धंधे कारखाने लगाए, वस्त्र उद्योग में अमेरिका सर्वश्रेष्ठ, और एक दिन ऐसा आया कि अमेरिका एक शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। बात कर रहे हैं अमेरिका की औद्योगिक व आर्थिक उन्नति के बारे में,
ये बात की अमेरिका के समाज का प्रभावित होना। जब अमेरिका की क्रांति होती है 1776 में, वहां धुमाशान युद्ध होता है, विद्रोह होता है। विद्रोह होने के बाद में यहाँ की जितनी भी महिलाएं होती हैं वो अस्त्र शस्त्र निर्माण में भी सहयोग देती हैं। अस्त्र शस्त्र के निर्माण में सहयोग दिया उसने। क्रांति के समय अपने सगे संबंधित सैनिकों को भोजन पहुंचाने का भी इन महिलाओं ने उस समय काम किया था, और क्रांति में भी इस महिलाओं ने। और इसके बाद में एक अधिनियम ऐसा पारित तो हुआ कि जमींदार जमीन की हिस्सेदारी में इस लड़कियों का भी हिस्सा होगा। ये इससे हमारा समाज बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, और समाज जब प्रभावित हुआ स्त्रियों ने उसमें गुप्त स्वरों का भी काम किया था, गुप्त स्वरों का काम किया था, गुप्त बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम अमेरिका की क्रांति के समय कौन ये महिलाएं किया करती थी, महिलाओं के द्वारा किया गया। दूसरा, इन महिलाओं ने अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका अदा की। अस्त्र शस्त्र निर्माण में भी उन्होंने अपना काम किया। और तीसरा काम उन्होंने किया था कि जो भी जब क्रांति चल रही थी, युद्ध का दौर चल रहा था, तो उसने अपने सगे संबंधित लोग थे और सैनिक लोग थे उनको भोजन देने का काम भी उन्होंने किया था। और ऐसी अहम भूमिका अदा की कि आने वाले समय के अंदर एक ऐसा नियम बना गया कि पिता की संपत्ति में स्त्री और पुरुष दोनों का ही समान अधिकार होगा। ये अधिकार भी हुए। चलो एक अंतिम बिंदु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतिम बिंदु इंग्लैंड का अन्य उपनिवेशों के प्रति सतर्क होना। अंतिम बिंदु की ओर अपन बात कर रहे हैं। अंतिम बिंदु की बात कर रहे हैं इंग्लैंड का अन्य उपनिवेशों के प्रति सतर्क होना। जैसे ही अमेरिका इंग्लैंड की संगुल से मुक्त हो गया, तो उसने अमेरिका के प्रति उदार और प्रशासनिक सुधार की नीति अपनाई। इंग्लैंड का मानना था कि आज अमेरिका हमारे से मुक्त हो गया, कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि भारत और अन्य ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा आदि देश भी हमारे से संगुल से मुक्त हो जाए। तो वो अन्य उपनिवेश देशों के प्रति इतना सतर्क हो गया कि उन्होंने उसके इन देशों के प्रति उदार की नीति अपनाई। प्रशासनिक सुधार में सुधार किया, करों को बहुत कम कर दिया, धार्मिक दृष्टि से छूट दे दी, जिसके कारण ये लोग उससे इतने अधिक प्रभावित हो सके कि इंग्लैंड का अन्य उपनिवेशों के प्रति बिल्कुल सतर्क हो गए। और इस यही हमारा परिणाम निकला अमेरिका की क्रांति का। एक एक बिंदु पर अपने चर्चा की है, और इस बिंदु को अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना, अमेरिका में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना, इंग्लैंड के साम्राज्यवाद पर आघात, जॉर्ज तृतीय के स्वाभिमान को ठेस, इंग्लैंड के सरकारी नीति में परिवर्तन, अमेरिका की औद्योगिक व आर्थिक उन्नति, अमेरिका समाज का प्रभावित होना, और इंग्लैंड का अन्य उपनिवेशों के प्रति सतर्क होना। इसमें हमने अमेरिका की क्रांति के परिणामों को पढ़ा है। इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगले वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीए द्वितीय वर्ष में, और यहाँ से प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप उस वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।